बड़ी कार्रवाई है, लाखों की धोखाधड़ी मामले में एक्शन लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को धारचूला से गिरफ्तार किया है। सेना में भर्ती नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप है। युवाओं से अब तक 65 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया जा चुका है। तो ये बड़ी खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लाखों की धोखाधड़ी मामले में एक्शन लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को धारचूला से गिरफ्तार किया है। सेना में भर्ती नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप है युवक के ऊपर। युवाओं से अब तक 65 लाख रुपए की ठगी कर चुका है ये शख्स, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है। पिथौरागढ़ पुलिस के पास एक शिकायत हमारे पास प्राप्त हुई थी, जिसमें कुछ युवाओं से आर्मी में भर्ती करने के नाम पर काफ़ी बड़ी ठगी कर ली गई थी, जिसमें हम लोगों ने जांच की। और जांच करने के उपरांत हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये जो अभियुक्त है, ये आर्मी में पोस्टेड था, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही आर्मी से रिटायर हुआ है। ये जब आर्मी में जो नौकरी कर रहा था, उस समय यहाँ के युवाओं से पैसे लेता था और आर्मी में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करता था। इसने कई युवाओं से पैसे लिए थे, जिसकी मूल्य जो है अभी लगभग 65 लाख के आसपास उसका आकलन हम लोगों ने किया है। इसके 4 मुकदमे पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा पंजीकृत किए गए हैं। और ये नौकरी लगाने के नाम पर पैसे ले लेता था और उसके साथ ही अपॉइंटमेंट लेटर भी अपनी तरफ से इशू कर देता था, जिसके आधार पर हमने 420, 467, 468, 471 IPC में मुकदमा पंजीकृत किया है और जिसे आज सुबह पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। तो बता दें कि लाखों की धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो कि सेना में भर्ती कराने के मामले पर और लोगों को धोखाधड़ी लोगों के साथ में करके पैसे ऐंठता था और अब तक लाखों की ठगी कर चुका है युवाओं से। लगभग बताया जा रहा है कि 65 लाख रुपए की ठगी युवाओं से की गई है।